दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मामा भांजा ब्लॉग और मैं हूं दीपक नोटियाल। तो दोस्तों जैसा कि आज हम जा रहे हैं मंजीगांव देवता के लिए और यहां मंदिर का नव निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए दिन निकालना है विधायक जी, दिन निकालना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको और पूछते हैं बहुत सारे गाँव के लोगों से कि क्या आज हम तीन ग्राम सभा के सौंद मंजीगांव और नगल के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। बाबा बौखनाग का नया मंदिर यहाँ डिमकी के ऊपर बनने जा रहा है, उसी के लिए बाबा बौखनाग का आशीर्वाद, और जो बाबा बौखनाग बोलेंगे उसी हिसाब से मंदिर की आगे की कार्यवाही होगी। उसके लिए आज सभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं और अभी मंजीगांव जा रहे हैं, वहाँ से बाबा बौखनाग की पालकी आएगी नीचे, फिर आगे कार्रवाई होगी इसमें। धन्यवाद। जैसा कि सुना आपने, हमारे अजय बिजलोन जी ने बताया है, तो अब हम जा रहे हैं, दिखाते हैं हम आपको और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं मंजीगांव, ये है हमारा मंदिर प्रांगण, यहाँ लगता है मेला और ये देख सकते हैं इस मंदिर का नव निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है, जो कि नया मंदिर बनेगा यहाँ, तो यहाँ पर डोली आएगी, तो दिखाते हैं हम आपको। तो ये जा रहे हैं देवता के लिए मंजीगांव और ये देखो जनता जनार्दन चल रही है, जय बौखनाग देवता की, जय हो बौखनाग देवता की। ये देखो अभी भीड़ बढ़ेगी और ज्यादा आगे आगे चलते हैं, वैसे भीड़ बढ़ती रहेगी। देखो गांव पहुंच चुके हैं और यहां से मजगों का गांव शुरू होता है, ये गांव लग गए यहां का शुरू। अब दिखाते हैं हम आपको आगे, ये देखो मजगों गांव का, ये देखो इतना मस्त मकान है, और ये देखो क्या हो रहा है, पूरा लकड़ी का मकान है, ये देखो क्या हो रहा है। देख सकते हैं आप, डोली निकल चुकी है यहाँ से और प्रस्थान कर चुकी है डोली। बड़े भाई साहब हमारे और गांव के मुखिया भी हैं, तो भाई जी आज देवता मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुका है, तो आपका इसमें क्या कुछ हमारे व्यूअर को बताएंगे कि मतलब क्यों ले जा रहे हैं, क्या है मतलब, कुछ बताओ आप अपनी वाणी में। जय वासुकी नाग देवता की। आज ग्राम सभा सौंद मंजीगांव नगल और तीन ग्राम सभाओं का एक केंद्र है डिमकी नामक स्थान, जहां पर कि हम नव निर्माण मंदिर का नव निर्माण करना चाह रहे हैं, तीनों ग्राम सभाएं और
उसके लिए आज हम देवता की पालकी ले जा रहे हैं जी। जो कि वहाँ पर जाकर के सारे लोग और पालकी जो है अपना निर्णय लेगी कि मंदिर किस प्रकार से बनना है, कैसे बनना है, किन किन चीज़ों का प्रयोग होना है। तो इसके लिए आज एक आम बैठक बुलाई गई है और देवता के साथ में है और मंदिर निर्माण का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो देवता के साथ आज पूर्ण होने वाला है। अच्छा, तो वहाँ पे मीटिंग होगी और जो मतलब तथ्य रखे जाएंगे उन पे मनन किया जाएगा। अच्छा। और देवता की कृपा से अब आगे क्या क्या होता है। अच्छा, देवदार और लकड़ी से मंदिर निर्मित होगा। अच्छा, ऐसे हमारी अपेक्षा है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपका चैनल चलता रहे बढ़िया। हमारे कृपा बने, सब्सक्राइब करें आपको, और सब पे बाबा बासुनाग की कृपा बने रहे। तो धन्यवाद भाई जी, आपका कीमती समय दिया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये हमारे चाचा जी हैं, ये देहरादून से पधार चुके हैं यहाँ पे। और देखो, श्रद्धा और आशा बहुत बड़ी चीज होती है। चाचा जी ने देखो टाइम नहीं था इनके पास, फिर भी इन्होंने टाइम निकाला, मीटिंग के लिए यहाँ पे आए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आपने गांव में इतना कीमती समय दिया अपना योगदान के लिए भी और हर चीज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका भी। ठीक है, धन्यवाद। ये देखो, देख सकते हैं आप। तो सारे लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे, भी देख सकते हैं आप, ये बैठ गए। अब मीटिंग होगी थोड़ी देर में। ये देखो, देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग चल रही है, यहाँ पे कार्यकारिणी मीटिंग चल रही है भगवान वासुनाग देवता की। मंदिर तो ऐसा लग नहीं है, तो उसको सदुपयोग ढंग से लगाया जाए। जी जी, उनके सिर चरणों में भी प्रणाम करते हुए ग्राम पंचायत सोन मंजियों और यहाँ पर जितने भी हमारे बाहर से कर्मचारी बंधु आए हैं उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इसने मकान गलत बना रखे और इसने यहाँ पे इसने इतनी जगह आगे ले ली देवता की और पूरी बाउंड्री देवता ने। ये तोड़ना है भाई, तोड़ हर देवता फिर तोड़ो। इतनी जगह बढ़ा रखी इन्होंने ना, तो ये तोड़नी है। बंद इतनी आउन ही नहीं कह। मंदिर की जगह
है कुआना नहीं है कुआना था ऐसे तो देवता ने जगह बता दी कि यहाँ से यहाँ तक बनाने मंदिर लंबा। तो फाइनली देवता अब अपनी जगह जाने लग गए जहाँ से लाए, तो ये चले गए वापस। दोस्तों फाइनली मैं रूम पे पहुँच गया, मंदिर का आपने देख लिया होगा क्या क्या चल रहा था वहाँ पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहना मामा भांजा ब्लॉग। और भगवान वासुकी नाग आप पे यूँ ही कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरा।